आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वेज कबाब की रेसिपी। अब जैसे ही कबाब का नाम आता है सब लोग को लगता है कि नॉन वेज है, लेकिन ये नॉन वेज कबाब बिल्कुल भी नहीं है। हम बनाएंगे वेज कबाब, वो भी अलग तरीके से बनाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत ही टेस्टी यम्मी सा रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, स्पेशल वेज कबाब। तो वेज कबाब को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे पालक को। जी हाँ, आप लोग को पालक से बनाना है, तो पालक को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे को हमने धो लिया है और जो उसका डंडी है ना उसको हटा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाही को और हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी में थोड़ा सा डाल देंगे नमक को। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे मटर को, तो मटर को भी साथ में बॉईल कर लेंगे और साथ में हम डाल देंगे पालक को जो अभी हमने आपको दिखाया है, डालकर इसको बॉईल कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो ये भेज कबाब बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, मजा आ जाएगा जब आप लोग एक बार बनाकर खाएंगे। तो बस ये पालक आप लोग का जब उबल जाएगा तो आप लोग गैस को कर दीजिएगा बंद। तो जैसे ये मतलब कबाब का नाम आता तो सबको लगता है नॉन वेज है, बट ये नॉन वेज कबाब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही टेस्टी यम्मी सा रेसिपी बनकर तैयार होने वाला है। सारे को निकाल लेंगे, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप लोग को मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई को और हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा को। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक को और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची को। एकदम बारीक कट करके आप लोग को डालना है, खाड़ा बिल्कुल भी मत डालिएगा। मिला लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, आप लोगों को डाल देना है गोभी को। गोभी को पूरा ग्रेट करके डाल देना है और साथ में आप लोगों को पत्ता गोभी को भी ग्रेट करके डाल देना है। साथ में आप लोगों को गाजर को भी ग्रेट करके डाल देना है। एकदम बारीक महीन सा आप लोगों को कट करके डालना है। तो हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी और साथ में गाजर तीनों डाल दिया है। आप लोग अपने हिसाब से जो सब्जी आप लोगों को पसंद है ना आप लोग डाल दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा जब आप लोग एक बार बनाकर ट्राई करेंगे। मिलाकर अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो अभी हमने आपको दिखाया था ना, पालक और साथ में हरा मटर का, डालकर अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को रेसिपी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि सबको पता चले कि भेज कबाब भी क्या होता है, भेज कबाब भी क्या चीज़ है। गैस को कर देंगे बंद। तो चलिए स्पेशल चटनी बनाने के प्रोसेस पे चलते, क्यों कबाब बिना चटनी को तो मज़ा ही नहीं आएगा। हरी धनिया की पत्ती, साथ में लहसुन की पत्ती, हरी मिर्च को डाल देंगे और साथ में आप लोग को पुदीना डाल देना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, काला नमक को हमने डाल दिया है। हल्का सा आप लोग सफ़ेद नमक को डाल दीजिएगा, ऊपर से आप लोग डाल दीजिएगा हरी मिर्च को, साथ में अदरक को डाल दीजिएगा, लहसुन भी डाल सकते हैं चाहे तो, जीरा डाल दीजिएगा और हम क्या करेंगे पानी डालकर पीस लेंगे। तो बस हमने पीस का तैयार कर लिया है, स्पेशल चटनी बनकर तैयार हो गई, पुदीने वाली चटनी, मज़ा आएगा खाने में। तो वेज कबाब के साथ पुदीने का चटनी मज़ा आता है। और एक हम और स्पेशल चटनी बनाएंगे, तो दही ले लेंगे, दही एकदम फ्रेश होना चाहिए। हल्का सा आप लोग को इसमें डाल देना है नमक को, काला नमक को डाल दीजिएगा और साथ में जो भी हमने चटनी बना उसी चटनी में से आप लोग को ऐड करके डाल देना है। ये भी मतलब ये जो चटनी है ना स्पेशल चटनी है, जो कि चाहिए ही चाहिए, मज़ा आएगा तभी तो खाने में ना। तो दोनों चटनी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये जो आप लोग का चटनी है ना इसमें आप लोग नींबू का रस भी डाल दीजिएगा जो पुदीना वाला चटनी बनाया उसमें। और इधर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा मसाला। तो 1/2 चम्मच आप लोग को डाल देना है लाल मिर्ची पाउडर को, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर को डाल दीजिएगा। 1/2 चम्मच आप लोग डाल दीजिएगा इसमें काला नमक को, अपने हिसाब से आप लोग नमक भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर को डाल दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये डालने से एक अलग ही फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा हल्दी पाउडर को। ये नॉर्मली मसाला जो सभी लोगों के घरों में रहता है, सो डोंट वरी,
आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से बना लेंगे, ज़्यादा झंझट परेशानी मेहनत नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच बेसन को। अब आप लोग बेसन अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। साथ में हरा धनिया भी डाल देंगे, साथ में पुदीना डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबको मिलाएंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे ब्रेड का क्रम्ब। आप लोग को ब्रेड को लेना है, मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है, डालकर मिला लेंगे। अब आप लोग इसमें चाहे तो मतलब उबले हुए आलू को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या आप लोग चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम ऊपर से डाल देंगे पनीर को ग्रेट करके। मज़ा आ जाएगा क्योंकि जहाँ पनीर जाता है तो टेस्ट तो बढ़ ही जाता है ना। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डाल, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं। तो बस हमने डाल दिया, सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये हम भेज कबाब बनाएंगे कैसे। तो अब आप लोग को हाथ में लेना है स्टफिंग को, उसको गोल कर देना है, बस ये बन जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी इसमें शेप डाल सकते हैं, तो हम गोल गोल ही बना रहे हैं। सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब भी आप लोग कबाब बनाने का मन करता है, भेज कबाब बनाए, खाए, इंजॉय करें। ये नॉन वेज से भी बढ़कर लगने वाला है सच्ची में। गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई को, ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल पूरा गर्म हो जाए ना, तो आप लोग को डाल देना है कबाब को, भेज कबाब को आप लोग को डाल देना है। और हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को पहले आप लोग लो पे रख कर फ्राई करें, या फिर मीडियम पर, फिर आप लोग हाई पर। पूरा अंदर से आप लोग क्रिस्पी सा बनाकर तैयार कर लेना है। मज़ा आ जाएगा खाने के बाद, जब आप लोग बनाएंगे खाएंगे। और बनाने खाने के बाद आप लोग अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बाकी को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। और आप लोग इसको जो दो मैंने आप लोगों को चटनी बताया ना, उसके साथ ज़रूर सर्व करेगा, तभी तो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी तो अलग ही फ्लेवर आएगा ना। ये लीजिए, हमने सबको सर्व कर लिया है। ऊपर से आप लोग काजू को रख सकते हैं, या आप लोग चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको चटनी के साथ सर्व कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बनाइए, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।